देश की राजधानी दिल्ली में CAA और NRC को लेकर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 30 जनवरी शहीद दिवस के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्र जब राजघाट पर कूच कर रहे थे, तभी एक सरफराइज भीड़ में घुस आया और हवा में देसी कट्टा लहराने लगा। पहले तो वह फेसबुक पर लाइव करते हुए पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को धमकाता रहा, फिर अचानक से उसने एक छात्र को गोली दाग दी। गोली छात्र के हाथ में जा लगी। फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम गोपाल है। हमलावर नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं घायल छात्र की पहचान शादाब के तौर पर हुई है। वह जामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का छात्र है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 30 जनवरी दोपहर की है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी गोली चल गई। मार्च वाले इलाके में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी, फिर भी आरोपी ने खुलेआम बंदूक से गोली चलाई। असल में इस सभी फसाद की जड़ शाहीन बाग में हो रहा महिलाओं का CAA के खिलाफ प्रदर्शन है। महिलाएं पिछले 1.5 माह से यहां NRC और CAA के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, जिसमें जामिया के छात्र भी आए दिन इसके विरोध में प्रदर्शन करते रहते हैं। इस बवाल को खत्म कराने की कोशिश ना तो दिल्ली सरकार ने की और ना ही विपक्ष ने। शायद इसलिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है। एक तरफ विपक्ष इस आंदोलन को लोकतांत्रिक बताते रहा और इसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा, तो सत्ताधारी BJP इसे कथित टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ती रही। इस चुनाव में शाहीन बाग को सत्ता के लिए इतना बड़ा मुहरा बनाया गया कि सांसद विधायक तो छोड़िए, मंत्री भी बेलगाम होते गए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या कल की घटना ये संकेत देने वाला था कि CAA का विरोध खत्म कर देना चाहिए, या देश की मौजूदा हालात के तैश में आकर आरोपी गोपाल ने ये खतरनाक कदम उठाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। टीम खबर अपडेट।